on, and the subject which we were studying is pharmaceutical jurisprudence, and the topic which we are going to study today is Right to Information Act, which we have got in the year 2005. The next is third party information. Now, what is third party information? Here is कि देखिए कुछ चीजें हैं जो किसी की पर्सनल चीज लोगों से इन्फ्लुएंस चीजों से लाइक जो बिग पर्सनालिटीज हैं उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप तक शेयर नहीं की जा सकती. बीइंग अ सिटीजन आल्सो देन वो सारी चीजों के बारे में किस तरीके की लॉज है. पहला है इट इज बेसिकली इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्फो विच कंसर्न डिपार्टमेंट कैन नॉट डिस्क्लोज. इफ यू वॉन्ट कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपको किसी इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन वो आपके जो है आरटीआई में नहीं आता है. आपके आरटीआई एक्ट में ये नहीं आता है कि आपको किसी दूसरे इंसान से रिलेटेड या उसकी कंपनी एम्प्लॉयमेंट या उसकी फाइनेंशियल या उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, ये आपके आरटीआई एक्ट के राइट्स में नहीं आता है. देन इन्फॉर्मेशन लाइक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हियर आर फ्यू एग्जाम्पल, लाइक किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उनका स्कोर कार्ड, उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कोई शिफ्ट अगर हुए हैं उनकी, उनको वर्क अलॉटेड जो है, कुछ पेंडिंग कंप्लेंट्स जो है, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती क्योंकि आरटीआई आपके पास है, आरटीआई उनके पास भी है, उनको भी ये मानव अधिकार है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है प्राइवेट रखें, सिक्योर रखें. तो उनकी प्राइवेसी के चलते हम आपको किसी और पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते. बट अगर वो गवर्नमेंट किसी स्कीम, कोई नेशनल लेवल की लाइक कोई भी जैसे हम बोलते बिल पास होते हैं या कोई भी ऐसी स्कीम चलती है जो नेशनल लेवल की है जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए है, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड नहीं की जाती है रिगार्डलेस किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो. देन इफ द इंडिविजुअल अलाउ, अब मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत बेसिक है लेकिन आपको किसी से परमिशन लेकर ही मिलेगी, तो इन दैट केस अगर आप उस इंडिविजुअल से कॉन्टेक्ट करते हैं और वो अगर अलाउ करते हैं, इन दैट केस कुछ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो उस पर्सन से कॉन्टेक्ट करके उनकी परमिशन लेने के बाद जो है आपसे शेयर कर सकता है. सो दिस इज अबाउट दी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन. वाई थर्ड पार्टी? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन और नेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक सिटीजन का राइट है, बट किसी थर्ड पर्सन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज, दैट इज द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन. कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में आता है, देन फिर उसकी क्राइटेरिया थोड़े से चेंज है, लॉज में थोड़े से जो है चेंजेस हैं. देन नेक्स्ट अगर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई इज कि कौन कौन से कमीशन हैं, कौन कौन से वो कमीशन हैं जिनकी कमिटी बनती है और वो काम कर रहे हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि आप कहेंगे एज अ कमिटी कौन काम करता है, तो इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये आपकी मेन गवर्निंग बॉडी है. एंड टू नो दैट हु इज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हियर, ही इज द पर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. ही इज द ओनली पर्सन हु नोज द एवरी इन्फॉर्मेशन हु रिगार्डलेस एनी पर्सन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एनी नेशन, एनी काइंड ऑफ बिल पास और एनी काइंड ऑफ रूल मेड, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दैट मीन्स की प्राइम मिनिस्टर के पास ही मिलेगी. इनकी परमिशन के बिना पूरा सिस्टम जो है काम नहीं कर सकता. तो अगर कोई बहुत सेंसिटिव और डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास होती है. और इनके साथ आप टीम देखेंगे तो टीम इज द सेंट्रल टीम ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने जो यहाँ लिखा था कि जितने भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स काम करते हैं इन द सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो उनके हेड है यानी कि कमिश्नर है पीएम, एंड देन उनके बाद है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, उसके बाद कुछ असिस्टेंट पीआईओस है और कुछ अदर मेंबर्स है जिनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें एड ऑन किया जा सकता है. नाउ हु आर दीज मेंबर्स, कि कौन मेंबर्स है? सो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट, मींस यू कैन अंडरस्टैंड भी एक और मेंबर्स है कि आप ही के इलेक्ट करे हुए जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा वगैरह में या यूनियन कैबिनेट्स में होती हैं, ये वही नॉन पर्सन
CIOs along with the other members. Now here, कौन other members हैं? जो भी आपके MPs हैं, जो आपके member of parliament हैं, वो कुछ persons हैं जो यहाँ पर involved होते हैं for taking certain big decisions. So ये आपकी हो गई committee, Central Information Commission and State Information Commission. इनकी जो है देखरेख में ये पूरा आपका RTI Act आपके India में काम करता है. The last thing. पावर्स और फंक्शन कि ये जो लोग हैं क्या करने के लिए जो है पावर्स मिली है या क्या इनके फंक्शन हैं जो ये कर रहे हैं. सो बिगिन विद एक्सेप्टेंस ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट इफ नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीआईओ. इफ द पर्टिकुलर पीआईओ ऑफ दैट एरिया इज सपोज नॉट एक्सेप्टिंग योर कॉल और योर एप्लीकेशन देन यू कैन स्विच इट विद द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. अगर मतलब कमीशन के ऑफिस जो ऑफिस है वो क्या होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड उनके अंदर जो है आपको जो अलग 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 डिपार्टमेंट के हेड मिलेंगे वो ये ऑफिसर या ये स्टेट पीआईओ ये सब मिलेंगे अंदर. सो पहली चीज है कि अगर पीआईओ एक्सेप्ट नहीं हुई है देन यू कैन कॉन्टेक्ट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ योर एप्लीकेशन और लेटर. रीयूज इंफॉर्मेशन शेयरिंग. सपोज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इतने सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों की कुछ कॉमन क्वेरी होती है खुद के मानवाधिकार को लेकर. इन दैट केस कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए. अगर आप हमें बताते हैं तो कोशिश करते हैं कि चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाए. द नेक्स्ट इज रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन एंड शेयर विद इन द टाइम लिमिट. ये ध्यान रखना है पीआईओ को कि 30 डेज का टाइम है या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी से रिलेटेड मतलब कुछ ऐसे कानून है जिनको आपको जानना जरूरी है इमरजेंसी में तो वो आपको 48 आवर्स में एंड द रेस्ट इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज आपको अवेलेबल की जाए. तो दे विल मेक श्योर अबाउट दिस थिंग. देन सेंट्रल पीआईओ हैव द पावर्स ऑफ द सिविल कोड. इफ इन केस सपोज थिंग डजंट गो दैट स्मूथ एंड कुछ चीजें ऐसी है कि लाइक हम कहते हैं कि अगर आपने ये मानवाधिकार जो मेरे हैं उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी देन आई सी यू इन द कोर्ट. देन दी सीपीआईओ दैट मीन्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ये क्या करेंगे कि सिविल कोर्ट के मेंबर्स को भी शायद इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें. ईदर दे कैन इन्वॉल्व और एक्ट एज ए पावर मेकर ऑफ द कोर्ट. अब क्या कर सकते हैं समनिंग. समनिंग का नाम मतलब कि इफ यू आर द एप्लीकेंट डिमांडिंग राइट और रॉन्ग तो वो आपको समन भेज कर बुलाते हैं एंड देन वो जो है डिसीजन आपका वहां ऑफिस में फाइनल किया जाता है. द नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन रिगार्डिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्टली गिवन टू द सिटीजन और नॉट एंड द सिटीजन इज यूटिलाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर द राइट पर्पस और नॉट बोथ आर डन बाय सीपीआईओस. देन एविडेंस रिसीविंग. व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज हियर इज कि एविडेंस इज आपका सपोज यू आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ गुड मीन बट अगर वही इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस किसी गलत यूज में भी आ सकती है इन दैट केस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से कंसर्न लेने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल के दी जाती है एंड इसलिए वहां पर एविडेंस रिसीविंग का काम होता है कि एविडेंस रिसीव हो जाना चाहिए. इट्स लाइक अ म्यूचुअल डील बिटवीन द थ्री जिनकी आपस में ये बात होना जरूरी है कि ड्यू टू द थिंग्स आर कि पब्लिक डोमेन में नहीं है एंड ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सपोज नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी बट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद जिसमें की जो है सीपीआईओ इन्वॉल्व है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है दे हैव टू टेक डिसीजन नाउ. तो वो जो है उनके बेसिस पे वो कहते हैं कि इट्स एन एविडेंट रिसीविंग फ्रॉम आवर साइड दैट हमने ऑर्गेनाइजेशन की कंसर्न पे जो है इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन या सिटीजन को फॉरवर्ड की हुई है. Then the requisition of the public record. Very important thing is that कि छोटे छोटे areas divide होते हैं जहां पर अगर कोई भी चीजें change होती है तो वो चीजें public domain में available होनी चाहिए. उसके लिए लोग क्या करते हैं
Now, what is the compliance between the two? क्या क्या चीजें हैं कि सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ द पीआईओ, ये जो कमिटी है, कमिटी का काम है जब वो किसी मेंबर को इन्वॉल्व करते हैं देन वो उसको ट्रेन करें कि किस तरीके से जो है चीजें मेंटेन होगी, किस तरीके से जो है पब्लिक रिलेशन मेंटेन किए जाने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग और जितने भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की ट्रेनिंग है वो इन्हें दी जाती है। उसके बाद सीकिंग दी एनुअल रिपोर्ट, हर साल की एक सालाना रिपोर्ट इन्हें दी जानी चाहिए। दे हैव टू मेक श्योर कि हर साल की रिपोर्ट जाए, जिसकी वजह से ही जो है हम कहते हैं पब्लिक डोमेन में इतनी सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन है या मैक्सिमम सर्च आउट है वो हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन में तभी डाल सकते हैं। उसके बाद इम्पोज दी पेनल्टीज, जहां पर आपने मिस्टेक्स की हैं, इफ यू मेक एनी काइंड ऑफ ऑफेंस देन दे आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू फाइन पेनल्टीज ओवर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये आपको सारे मानव अधिकार के बारे में, कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, उनकी क्या पावर है, किस तरीके से जो है आपकी रिक्वेस्ट जाती है, उनका किस तरीके से जो है डिस्पोजल होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको एक ब्रीफ रूप में बताई है। होपफुली ये जो ब्रीफ आपके काम आए नोट्स बनाने में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच।